गुरुदासपुर से सांसद बने सनी देओल अब फुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कुछ समय पहले ही मुलाकात के दौरान पठानकोट और गुरुदासपुर में दो हाई लेवल पुल बनाने को लेकर चर्चा की। हालांकि केंद्र ने इस पुलों के निर्माण के लिए इसी साल जनवरी में ही अनुमति दे दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो गई। अब सनी ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुलाकात कर पुल बनाने के निर्देशन प्राधिकरण को देने को कहा। इनमें से एक ब्रिज मकौड़ा पंतन के कीड़ी मेहरा काल से नरोटा जयमाल सिंह और दूसरा गुरुदासपुर के चम्मक राम शाही पर बनेगा। केंद्रीय इकोनॉमिक ई प्रोजेक्ट स्कीम के तहत 2018 और 19 में दोनों पुलों का पर जो खर्च लागू होगा वो लगभग 132.68 करोड़ रुपए खर्च होगा। बता दें और इसके तरह ही जी हाँ, पहला आधार पर बनने वाले दोनों पुलों के निर्माण के लिए दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग के निर्देशक में पत्र भी जारी किया। इनमें पठानकोट में रावी दरिया के मकौड़ा पंतन के कीड़ी मेहरा काल से नरोट जयमाल सिंह के बीच 69.78 करोड़ से हाई लेवल पुल बनाएगा। वहीं 840 मीटर लंबे ब्रिज में 21 स्पैन होंगे और 5.45 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। और इस तरीके की तमाम तरह के उन्होंने सनी देओल ने वार्तालाप करके नितिन गडकरी से गुरदासपुर के विकास को लेकर जोर डालना शुरू कर दिया है। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।